डियर स्टूडेंट्स, माफ़ी चाहूँगा, पुस्तक में काफ़ी रंग बिरंगी छेड़छाड़ पेन से की गई है। खैर कोई बात नहीं, यूपी टीजीटी इंग्लिश के जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होने वाले राइटर विलियम शेक्सपियर है, उनके बारे में आज थोड़ा सा, उनकी जीवन के बारे में हम कुछ पॉइंट देखेंगे जो एग्ज़ाम में लास्ट टू लास्ट टाइम पूछे भी जा चुके हैं और भविष्य में भी पूछे जाएंगे। याद रखना, चार राइटर हमारे यूपी टीजीटी इंग्लिश में हैं। यूपी टीजीटी 9th-10th क्लास के लेवल का एग्ज़ाम होता है, जिससे बाद में अध्यापक प्रमोट होकर 11th-12th पीजीटी लेवल तक या संभव हो तो प्राचार्य तक भी, प्रधानाचार्य तक भी पहुँच जाता है। और चार राइटर हमारे इंग्लिश में हैं, दो विलियम से शुरू होते हैं, विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ, और दो हमारे जॉन से शुरू होते हैं, जॉन मिल्टन और जॉन्स गाल्सवर्थी। तो विलियम शेक्सपियर के ऊपर हम ये वीडियो देखेंगे, और विलियम शेक्सपियर के ऊपर मैं कम से कम 50 से 100 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें A to Z कवर करेंगे हम TGT और PGT दोनों के लिए। इनका बर्थ हुआ है 23rd अप्रैल 1564 इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, रिवर्स का नेम है ये एवन, इन द कंट्री ऑफ वॉरविकशायर, पहले पूछा जा चुका है 5th, 10th, 9th। ही वॉज बेप्टाइज एट होल ट्रिनिटी चर्च स्ट्रेटफोर्ड ऑन 26th अप्रैल 1564, यानी कि कुछ नामकरण जैसा इनका 26 अप्रैल 1564 को हुआ था। स्ट्रेटफोर्ड इज ए विलेज इन वॉरविकशायर सराउंडेड बाई फॉरेस्ट ऑफ आयरडन, कैसल ऑफ वॉरविक एंड कैसल ऑफ किलकॉलमेन फ्रॉम दीज साइड थ्री साइडेड। देखिए 23rd अप्रैल 1564 को बर्थ हुआ, 26th अप्रैल 1564 को मान के चलिए इनका नामकरण या कोई इस तरह की रस्म हुई, और स्टेडफोर्ड में इनका जन्म हुआ था, जो एक गांव है, एवन नदी के किनारे स्थित गांव है, और गांव तीन साइड से घिरा हुआ है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन से, कैसल ऑफ वॉरविक से, कैसल ऑफ किलकॉमन से, थ्री साइड से घिरा है। पेरेंट्स इनके देखिए, ही वॉज द थर्ड सन चाइल्ड कहिए जो भी ऑफ जॉन शेक्सपियर, इनके पिताजी का नाम जॉन शेक्सपियर था, एन एल्डरमैन एंड ए सक्सेसफुल गलावर, ओरिजिनली फ्रॉम स्निटरफील्ड, एंड मैरी आर्डन इनकी माँ थी, द डॉटर ऑफ एन एफ्लुएंट लैंड लॉविंग फार्मर। एजुकेशन, एट द एज ऑफ 7 ही वॉज सेंट टू द ग्रामर स्कूल एट स्टेटफोर्ड वेयर ही पिक्ड स्मॉल लैटिन एंड ग्रीक लेस। कई बार पूछा जाता है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक वाला क्वेश्चन, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, तो ये ग्रामर स्कूल एट स्टेटफोर्ड। स्पाउस एंड चिल्ड्रन, यानी कि इनका जीवन साथी और बच्चे, एट द एज ऑफ 18 इन 1582, 18 साल की उम्र 1582 में ही मैरिड द 26 ईयर ओल्ड एंड हाथवे, जो इनकी वाइफ थी वो थी एन ए हाथवे, 26 साल की थी वो, ये 18 के थे, विद हुम ही हैड 3 चिल्ड्रन, जिनके साथ इनके 3 बच्चे थे, सुशाना आफ्टर 6 मंथ ऑफ मैरिज एंड ट्विंस हेमलेट एंड जूडिथ, ये दोनों जुड़वा थे। हेमलेट डैड ऑफ अनोन केजेज एट द एज ऑफ 11, 11 साल की उम्र में हेमलेट जो थे वो मर गए, बिना नहीं पता किस कारण से मरे। सुशाना वॉज मैरिड टू जॉन हॉल ए फिजिशियन इन 1607, जो इनकी पुत्री थी, एंड जोड़ित टू थॉमस क्वेंसी ए विंटर 2 months बिफोर शेक्सपियर डेथ, इनकी मृत्यु से 2 महीने पहले ही उसने शादी की थी। डेथ, ही डाइड ऑन 23rd अप्रैल 1660, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, 23 अप्रैल को जन्म, 23 अप्रैल को मृत्यु, 1616 एट द एज ऑफ 52 एट इन स्टेटफोर्ड, 52 साल की उम्र 1616 में स्टेटफोर्ड में, ही वॉज बुइड इन द चांसल ऑफ द होल ट्रिनिटी चर्च 2 days आफ्टर हिज डेथ, 2 दिन बाद मृत्यु के होल ट्रिनिटी चर्च में इनको दफनाया गया। द एपिटेफ ऑन हिज ग्रेव स्टोन रीड्स, जो इनकी समाधि के ऊपर जो शिलालेख था उस पर जो एपिटेफ मृत्युगान लिखा गया वो था, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट इन क्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट इज पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। अब इनको किस नाम से पुकारा जाता था, तो बर्ड ऑफ एवन इनको कहा जाता था। ऑक्यूपेशन, द इंग्लिश एलिजाबेथन पोएट, एक्टर भी थे एंड रेनेसे प्ले राइट भी ये थे, तो एलिजाबेथन के टाइम के भी थे, रेनेसे प्ले राइट भी कहा जाता है, एक्टर भी थे याद रखना, पोएट भी थे, और सोनेट के लिए भी जाना जाता है, 154 लिखे, तो ये इनका प्रोफेशन रहा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।